नीचे आओ, कहाँ पहुँच, नीचे आओ। हाँ यहाँ फाइंड बाय आईडी करो, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, उसमें आर ई क्यू डॉट परम्स डॉट आई डी कर दो, उसमें आर ई क्यू डॉट परम्स डॉट आई डी कर दो, अंदर आर ई क्यू डॉट परम्स डॉट आई डी, और जहाँ डेटा लिखा है मान लो प्रोडक्ट, जहाँ डेटा लिखा है मान लो प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है प्रोडक्ट से हाँ डिटेल लिख दो, इसे पूरा क्लियर है किसकी पे लगी है, और नीचे ही पास कर दो डेटा में, डेटा की जगह नीचे डेटा लिखा है ना, डेटा लिखा है यहाँ पे, डेटा यहाँ पे पास कर दो, इससे क्लियर रहेगा कि हाँ भाई इसकी पे कॉल कही आपने, तो जाके राउट ना हो उसका। हाँ जी नीचे पेश कर दो सेम, पूरा डिटेल कर दो, आईडी लगी है ही वो सेम डिटेल्स, और यहाँ पे पूरा डिटेल, और इसको गिटअप पे करके और रेंडम रेंडम पे कर दो डिप्लॉय, सेव करो, अब गिटअप पे पहुँचा दो। देखो फायदा क्या, देखो हाल के लाइव करना सीख, हाल के लाइव कर रहे हो, गिटअप सीख गए, रेंडर सीख गए, कमिट कर दो कमिट, ऐसे तो काम कंपनी के अंदर होता है, फटाफट काम होता है। अब गिटअप पर चला गया, ये ऐसे काम कंपनी के अंदर होते हैं, ऐसे काम करता था मैं कंपनी में, पहुंच गया बस जाकर चेक करो। पब्लिश क्यों कर रहे, पब्लिश बार बार क्यों कर रहे, पब्लिश तो हो रखा ना वो, गिटअप पर जाकर देखो कुछ आया कि नहीं आया, पहले गिटअप पर चेक कर लो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया नहीं, हल्के लाइव एपी भी फोन जाती तुरंत, साइन इन करो। कौन सा वाला है, देखो बैकएंड एपीआई भी क्लिक करो, देखो उसमें कुछ अपडेट दिखा रहा है, वो क्लिक करो उस पर, नीचे आओ, दो मंथ का दिखा रहा है, बैक करो। अरे पब्लिश पब्लिश क्यों कर रहे हो, पब्लिश थ्रूंगा बीएस को बंद कर, दोबारा चालू करो, पब्लिश थ्रूंगा वो, न्यू करो, न्यू एड रिक्वेस्ट करो, वहाँ पे लिखो प्रोडक्ट डिटेल, ये आएगा, हाँ ऊपर नाम चेंज करो, ऊपर आते ना बाहर क्यों बनना है, ये नहीं ये गलत बनना है, कहाँ बना रहे हो, पहले कैटेगरी वाला फोल्डर बंद करो, अंदर बनेगा ना वो, अंदर यहाँ पे अंदर, हाँ इसके अंदर डिटेल करो, अब वहां पर यूआरएल पेस्ट करो, नहीं लाइव अब चल रही है, समझ नहीं आ रहा, चल क्या रहा तुम्हारा जी, बे अलग चल रही लाइव ई कॉमर्स, वो ए पे ई कॉमर्स अलग, थोड़ा कंफ्यूज क्यों करा रहे हो मुझे, वही सेम प्रोसेस करनी होती हर बार की तरह, ठीक है वही सेम प्रोसेस होती हर बार की तरह, तो मैं चैट में दे रहा हूं है ना, अब लिखना नहीं है, चैट में भेजते जा रहा हूं फटाफट, वही सेम प्रोसेस है, उठाते जाओ चैट से, मैं ग्रुप पे भी देता जा रहा हूं, कॉन्स्टेंट में पेस्ट कर लो, और दे रहा हूं कॉन्स्टेंट की मैं भी और दे रहा हूँ, कट्टा कॉन्स्टेंट पूरे दे लो कॉन्स्टेंट वाले, ग्रुप में दे दिया मैंने, ले लो सब लोग, ग्रुप में भेज दिया मैंने प्रोडक्ट वाला, परसों चालू नहीं है,
चलो मैं चैट में, व्हाट्सएप चालू कर लो, चलो व्हाट्सएप चालू कर लो, वहीं से देते जा रहा हूँ हल्के हल्के। चलो व्हाट्सएप चालू कर ले, वहीं से देते जा रहा हूँ हल्के हल्के। तो मैंने पहले से भेजी थी, अब आ जाओ, अब चलते अपन कहाँ पर, एक्शन पे आ जाओ, प्रोडक्ट के एक्शन पे आ जाओ सब लोग। ऊपर टॉप पे, टॉप पे है ना जी, दे रहा हूं ये, पेस्ट कर लेना, कॉमा लगा, लाइन नंबर फोर के नीचे कॉमा लगा लो, लाइन नंबर फोर के नीचे कॉमा लगा लेना, तो ये पेस्ट करना, लाइन नंबर फोर के नीचे कॉमा लगा के ये पेस्ट कर दो, तो दिए मैंने चैट में सारे। नीचे लास्ट में एक को लगा लेना, लाइन नंबर 13 के नीचे, 13 के नीचे एक को लगाओ, क्लियर एरर। अरे वहीं वहीं से लिख लो, लिख लो, लिख लो, 13 के नीचे कॉमा, नीचे लिखो क्लियर एरर कैपिटल में पूरा, क्लियर अंडरस्कोर एरर। वो आ गया अपने पास आ जाएगा, हाँ यही वो आ गया बस, ठीक है, बाकी लोगों को मिल गया। चलो अब इसके बाद क्या करो, ये वाला एक्शन बंद कर दो, ये वाला एक्शन बंद कर दो, थोड़ा जूम कम कर दो, कंट्रोल माइनस कर देना बस, ठीक है। जे वाला मेथड बंद कर दो, गेट वाला मेथड बंद कर दो, ठीक है। अब हमें कौन सा मेथड लगाना है सब लोग, अब कौन सा लगाना पड़ेगा, गेट। अब एक नया बनाओ मेथड, अब बनो आप लोग करो, गेट ऑल, गेट प्रोडक्ट डिटेल नाम से नाओ मेथड एक करो, जी आप लोग साहब खुद से करो काम वाला, वो एपीआई कॉल करनी है डिटेल वाली, गेट प्रोडक्ट डिटेल इक्वल फंक्शन का साइन इक्वल एरो, अरे एक ही लाइन में कहाँ चले गए, असिंक जैसे ऊपर लिखा भाई, सेम लिखते जाओ, सेम लिखना है, सेम टू सेम पूरा डिस्पैच इक्वल एरो कर्ली ब्रैकेट्स। अब उसमें लिखो ट्राई कैच लगाओ, हाँ इसी को देखते जाओ, ट्राई कैच लगेगा वही वाला, मैं तो ढालू पर से पूरा, अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो ये ढाल पूरा, मैंने कहा ना एक रिडक्स समझ में आ गया ना, हर बार वही पूरी कहानी चलनी होती है, पूरा पेस्ट कर दो ठाके। अब यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे लिखा है ना ऑल डिटेल करते जाओ, डिटेल 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 प्रोडक्ट डिटेल करते जाओ, नहीं ये ऊपर से उठाते जाओ, प्रोडक्ट डिटेल ऑल उठा दो, ऑल उठा दो, ऑल उठा दो, ऑल प्रोडक्ट डिटेल रिक्वेस्ट, प्रोडक्ट डिटेल ऊपर, ये पूरा हटाओ, हटाओ तो पूरा अपने पास आ जाएगा, लिखो फॉर डिटेल, अरे वो इतने में दिखा देता है वो आगे डिटेल रिक्वेस्ट वाला, फिर नीचे करो सक्सेस वाला, नीचे करो सक्सेस वाला, अब इनकी आदत डाल लो, फॉर डिटेल सक्सेस, फिर नीचे आओ फेल, फॉर डिटेल फेल फेल, ठीक है। अब एपीआई के यूआरएल पेस्ट करो वहां से, ये डाल दो यहां से, ये डाल देना प्रोजेक्ट डाल दो, प्रोजेक्ट लिखा है प्रोजेक्ट, ये डाल दो अंदर का पूरा, नहीं डालना एपीआई डालना किला बस, और ये डाल दो पूरा डिटेल, हाँ लिखो पूरा डिटेल यूएल तो वही था ना, पूरा डिटेल स्मॉल में, स्मॉल में पूरा सही करो, स्लैश, अब उसमें आईडी पास करो लाइन नंबर 37 पे, 37 पे तो लिखा इक्वल फंक्शन का साइन लगाया था, इसमें आईडी डाल दो, आईडी आएगी ना वहां से आईडी, अरे नहीं आईडी लिखो, आईडी लिखो, डायनेमिक चल रहा है ना पूरा, तो उसमें लिखो आईडी। अब नीचे एपीआई के बाद आओ, एपीआई के बाद डिटेल के बाद स्लैश लगा लो,
अरे थोड़ा समझो तो चीज़ों को, यूआरएल पूरा भी कहाँ हुआ जी, स्लैश लगाओ यहाँ पे, आईडी लिख दो यहाँ पे, ऐसा नहीं। एक अरे रुको तो जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो थोड़ा चलो, यहाँ पे डबल कोट के साइन लगाए ना, जी हटा दो, आगे लगे बैकट्रिक वाले साइन लगेंगे, आगे से उठा दो बैकट्रिक वाले। हाँ यही लास्ट में लगाओ, सब लोग बैकट्रिक वाले साइन लगेंगे। हाँ स्लैश देखो, स्लैश स्लैश देखो, पहले स्लैश देखो, स्लैश। अब आईडी पास करनी पड़ेगी ना यहाँ पे, इसलिए बैकट्रिक वाले साइन लगाए हैं। ऐसे नहीं, रुको तो, डॉलर डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स और आईडी लिख दो। सिखाया था ना टेम्पलेट स्ट्रिंग, सिखाया था ना टेम्पलेट स्ट्रिंग इस तरीके से। ना तो फिर वो वाला काम करना पड़ेगा, प्लस कॉमा आईडी, ठीक है ना। वैभव ईपी भेज दो उसको, अभी अभी किस पे अपन काम कर रहे हैं, डिटेल वाली भेजो ना उसको। अब ये कंसोल चालू करो, लाइन नंबर 42 वाला, 42 वाला कंसोल चालू करो, और जहां पे तुमने डेटा लिखा है ना डेटा, यहाँ पे लिखो, यहाँ चेंज करो, प्रोडक्ट डिटेल लिखना पड़ेगा। तुमने वही तो लिखा था वहां पे एपीआई में, क्या लिखा था, प्रोडक्ट डिटेल लिखा था ना, जो डेटा स्टोर कर रहे हो, यहाँ वही सेम चीज लिखो। सेम चीज चल रही है, आप देख सकते हो, कुछ नया नहीं कर रहा मैं, सेम वही काम है एक बार। अरे तुम उसका लिखो भाई, वैभव का, इसलिए तो कहता हूँ एपी आना जरूरी होती है। अरे अब उसकी कैसे लग जाए, अब उसकी कैसे लग जाएगी। तुमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाली एपी किसकी यूज करी है, वैभव की यूज करी है। अरे भाई तुम यार थोड़ा सीख जाओ तो अच्छा रहेगा। हम काम किस पे कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, कैटेगरी के प्रोडक्ट से क्या कनेक्शन, अभी सोचो ना। तो मैं कहता हूँ कि रिएक्ट, जो लोग कहते हैं अगर रिएक्ट रिएक्ट से काम नहीं चलता, बैकएंड आना जरूरी होता है। अब तुम्हें कोई, तुम कंपनी में जाओगे तो मैं कोई बैकएंड वाला बंदा एपीआई भेजेगा, तो तुम चेक नहीं करोगे उसकी एपीआई कि वो एपीआई डेटा किस में लेके आ रहा है। अब बैबना तुम्हें एपीआई दे दिया, तुम चेक करो कि उसका प्रो डिटेल में आ रहा है कि डेटा में आ रहा है, तो तुम खुद चेक करो, चीजें सीखो। रिएक्ट पे जब कहीं काम करोगे, बैकएंड वाला तुम अपने एपीआई दे देगा, अब तुम्हें चेक करना है कि उसकी एपीआई चल रही है कि नहीं चल रही है, उसकी एपीआई डेटा किस में स्टोर हो रहा है, वो थोड़ी बताएगा सामने वाला इंसान तुम्हें, वो तो आपको देखो ना, आप तुम देखो कि किस में डाल रहा है ना, जिस चीज सीखो। ये तो कोई बंदा उससे कहता है कि रेट सीखना, तो मना कर देता, तो उसको कहते रेट नहीं सिखाता, फुल स्टैक पूरा सिखाता हूँ। क्योंकि अगर उसको रेट सिखाओ, अब उसको एपीआई भी दो अलग से, फिर उसको पूरा समझाओ भी कि कहाँ से क्या चला, तो उसके बाउंस हो जाएगी सारी चीजें। तो ये तुम चेक करो कि किस में डेटा आ रहा है उसका एपीआई का, आबादी में। हाँ जिसको पहले, मैं इसको बंद कर दूँ पहले ऊपर वाले को, इससे कन्फ्यूजन ना हो तुम्हें। ये अलग है, ये अलग है नीचे, थोड़ा ऊपर से जाकर चेक करो कहीं कुछ कर्ली ब्रैकेट्स का पंगा रह गया है। देखो नीचे एक बंद नहीं हुआ सर, एक बंद कर दो लास्ट में, एक लास्ट में कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर दो बस, ठीक है। आप पहले ऊपर वो कॉल कर लो, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर, वहां से कॉपी कर लेना, एक्शन से कॉपी कर लो ये ऊपर जाके। हाँ ये कॉपी कर लो सारे, हाँ वहां जाके पेस्ट कर लो, थोड़ा फॉर्मेट सी कर लो, सब लोग कॉपी कर लेना ये एक्शन से, है ना। अब नीचे आ जाओ, ऊपर थोड़ा ऊपर चलो, ऊपर चलो, थोड़ा थोड़ा सही कर लेते हैं। हाँ किस में स्टोर कर रहे हैं, डिटेल में स्टोर कर रहे हैं, है ना, ठीक है चलो। लोडिंग फॉल्स, लोडिंग ट्रू, हाँ ठीक है। अब जब मैं तुम्हारा डिटेल का डी डी स्मॉल कर दूँ यहाँ पे, डिटेल का तुम्हारा डी स्मॉल होगा ना,
सब देख लो, यहाँ पर डी स्मॉल है। हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। उसको मैं डी स्मॉल, उसको डी स्मॉल मत कर दूसरे को। ओके, इसमें अपन डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, ये तो समझ में आ रहा होगा कहाँ क्या चल रहा है चीजें। अब क्लियर क्लियर एरर पर भी काम करेंगे अपन अभी। कर लिया सही इतना। चलो उस पे आ जाओ, स्टोर पे आ जाओ, स्टोर पे आ जाओ, स्टोर पे सब लोग। आप स्टोर पे आ जाओ, लिखो यहाँ पे पी डिटेल, कॉमा लगा लिखो पी डिटेल, पी डिटेल, डिटेल पी डिटेल कर लो साथ में, इसे याद रहेगा पूरा डिटेल वाला है ये, पूरा फुल लिख दो डिटेल, कोलन प्रोडक्ट डिटेल रिड्यूसर। ठीक है, सेव कर लो, बाकी आप लोग भी कर लो उतना। कर लिया। हाँ जी, हाँ ऊपर दिखा दे इनको, एक्शन में दिखा दो, एक्शन में जाके, एक्शन में नीचे आओ और नीचे आओ, ये डिफाइन दिख रही है 37 में लिखी आईडी। अब इसमें आईडी उठ के आएगी, अब स्टोर दिखा दो, स्टोर स्टोर देख लो। एक नया कंपोनेंट से बनाओ, प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर होगा प्रोडक्ट नाम का, जिसमें आपने काम किया होगा प्रोडक्ट वाला भी, उसी के अंदर एक नया फोल्डर, एक नया कंपोनेंट बनेगा प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएस, प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएस, प्रोडक्ट डिटेल डॉट जे एस, पी कैप्टर कर देना। डिटेल डॉट जे एस कर दो, आर एफ सी कर लो, इसमें आप क्या करोगे सब लोग, इसमें क्या करना है सब लोग को। हाँ, जो सिंगल प्रोडक्ट पेज होगा ना, वो आप इसमें सेट कर लेना डिटेल। हाँ जो है ना, वो हेडर फुटर नहीं सेट करना है, बाकी जो के सब सेट कर लेना इसके अंदर, क्योंकि इसी में टाइम लग जाएगा आपको सेट करने में। थीम दिखाना, थीम में दिया होगा ना डिटेल वाला पेज, थीम दिखाना, थीम दिया था मैंने आप लोगों को, तो वो पेज आप सेट करके चेक कर लेना है ना, सेट करके आप चेक कर लेना सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है वाला पेज। थीम थीम में दिया होगा ना, थीम में अच्छा कर रखा है। हाँ ये वाला पेज देखो सब लोग, ये वाला पेज, ये वाला पेज का कोड उठा के वहां पे पेस्ट कर देना। ठीक है, इसी मैंने पेज सारे सेट करवा दिए थे आप लोगों से। हाँ इसलिए मैंने, हाँ बस इसलिए मैंने पेज पहले सेट करवा दिए थे आप लोगों से कि थोड़ा टाइम बचेगा। तो ये कोड उठा के कहाँ डाल दोगे, डिटेल वाले पेज के अंदर, बाकी काम मैं करवाऊंगा अगली कल मंडे को। ठीक है चलो, अब देखो ये पेज सेट है तो हाल कोड पेस्ट कर दोगे तुरंत से। बाकी आप लोग अपने जो होम पेज है, सब लोग सुन लें, जो आपको थीम दी गई है ना, उस थीम के डिजाइन कलर ब्लर सब चेंज कर लो। ठीक है, तो थीम